हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो हमको लगता है कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर टैली कर जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इससे रिलेटेड वीडियो और भी, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर लेंगे। और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप कम से कम जिनको ना आता हो स्टेप बाय स्टेप कुछ तो कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। जैसे यहाँ कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है, तो यहाँ एक मैट्रिक्स स्क्वायर लेना है, लेकिन ऑर्डर इसका 2x2 है, तो 1, 2, 3 एंड 4। यह एक मैट्रिक्स गिवन है 2 ऑर्डर 2 का, तो इसको हम जनरली ऐसे सिंपली कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर कह रहा है के ए, के ए का मतलब कि इसका हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके एवरी एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई होगा, के 2K 3K 4K होगा। अब इसके बाद अब इसका मॉड यानी डिटर्मिनेंट है, तो इसका जब मॉड लगाते हैं तो इसका मॉड लगाएंगे तो ये भी मॉड हो जाएगा, K 3K 2K एंड 4K। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है, डिटर्मिनेंट्स में देखते हैं कि किसी एक रो या एक कॉलम में से अगर कोई नंबर कॉमन हो तो उसको बाहर कर लेते हैं, सेकंड वाले में भी अगर कॉमन हो तो उसको बाहर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए कॉमन क्या होगा, के। आ इसमें से भी कॉमन देखिए के, तो यह दोनों के बाहर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4। अब देखिए के मल्टीप्लाई के कितना होगा, के स्क्वायर, और ये आपका देखिए 1, 2, 3, 4 जो मॉड में है वह किसकी वैल्यू आ रहा है, ए की वैल्यू आ रहा है, क्योंकि इसको हम मॉड में कर देते हैं। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, मॉड ए। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए या के स्क्वायर मॉड ए, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, बी। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर देखिए इसके पहले जो हम लोग मैट्रिक्स में थे, तो मैट्रिक्स में क्या था कि यहाँ बिग ब्रैकेट था, तो बिग ब्रैकेट था तो हम लोग इसका कंपेयर इससे किए थे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। बट यह डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है, यानी कि वो बिग ब्रैकेट नहीं है, यह मॉड लगा हुआ है, यानी यह डिटर्मिनेंट है, तो इसके लिए आप बिना सॉल्व किए नहीं कर पाएंगे। तो यह सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि मॉड 2x-1 4 एंड 2 = 3021। अब देखिए यह जो डिटर्मिनेंट्स है इस डिटर्मिनेंट्स के इक्वल है, लेकिन इसका एलिमेंट इसके इक्वल नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करके ही करेंगे, तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इसके मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -4 = इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देखिए इसका मल्टीप्लाई करके इस मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब यहाँ पे 4x-- मल्टीप्लाई होगा तो +4 = 3। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 4x = 3 -4, तो यहाँ 4x = -1, तो x = -1/4, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगा, -1/4। यह ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एंड बी गिवन है, यह जो मैट्रिक्स है, अब फिर कह रहा है वेरीफाई BA = 6i, यूज द रिजल्ट टू सॉल्व द सिस्टम x-। देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ डबल क्वेश्चन कर रहा है, पहले तो आपको कह रहा है कि BA = 6i, ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। फिर कह रहा है कि इसी के हेल्प से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा
कि पहले आप इसको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछेगा। तो अगर पूरा नहीं आता है तो अगर केवल BA इक्वल टू 6i निकाल देते हैं तो भी आपका 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कम से कम 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अगर नहीं कुछ आता है तो B में A से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए अभी क्वेश्चन बड़ा देख के आपको छोड़ना नहीं है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब या तो यह दे देगा, नहीं देता है तो ये इक्वेशन दे देगा, इस पर कहेगा कि इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये दोनों मेथड एक ही है। अब यहाँ पे जैसे इसमें से ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, उसके हेल्प से कर लेंगे, लेकिन अगर अलग से पूछे तो निकालना पड़ता है। तो चलिए दोनों हम देख लेंगे। अब यहाँ पर ए बी दोनों गिवन है, तो बी ए इजकल टू कितना दिया है 6i, यानी आप बी में ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इक्वल होगा किसके, 6i के। यह हम नहीं कर रहे हैं, गिवन है, दिया है। तो यहाँ पे हमको लाना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बी ए। तो देखिए बी यहाँ पर गिवन है 2, 2 - 4, फिर दिया है -4, 2 - 4, 2 - 1, 5। अब इसके बाद ए की वैल्यू गिवन है 1 - 1, 0, 2, 3, 4, 0, 1, 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो आप इस कॉलम को उठाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, और इसका इसमें करके ऐड कर दीजिए। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 - 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके ऐड करना है, तो 2 - 2 = 4, फिर ये 2 - 2 = 4, फिर 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, और इसमें 0 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे इसके, 0। अब देखिए वैसे ही सेम इसका करना है, -1 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर माइनस माइनस मिल के +4, फिर इसका करेंगे -2, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, फिर इसका हो जाएगा 6, फिर इसका हो जाएगा -3, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा -4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा +5, यानी कि -1 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब यहाँ पे सेम वैसे ही करना है, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0, 0, 0, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 4 - 2 = 8, +4 - 2 = 8, -4। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो -8, फिर ये -8, अब +2 - 5 = 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 - 2 = 6, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यह भी 0 - 0 = 0। अब देखिए आप -2 - 4 - 6 और +6 मिल के 0, यहाँ 4 - 6 = 10, अच्छा 4 से -4 कैंसिल, 6 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ देखिए 8 - 8 = 0, 8 - 8 = 0, यहाँ 10 - 4 = 6 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे क्या है, तो यह डिटर्मिनेंट्स नहीं है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट में जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ 0 के जगह पे 0 * 6 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1। देखिए तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 6 है कॉमन लिए, यहाँ तो है नहीं, तो कैसे कॉमन लिए, तो 0 को 0 * 6 लिख सकते हैं, तो उसमें से 6 कॉमन भी लेते हैं तो 0 ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 6, आई यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, जिसको क्या बोलते हैं आई। देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर केवल यहाँ तक अगर कर लेते हैं तो भी आपको 1 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं बी ए इक्वल टू 6i, ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पे इसके हेल्प से इसको सॉल्व करना है,
तो यहाँ से देखिए क्या है कि x माइनस वाई इजकल टू थ्री और 2x प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इजकल टू सेवेंटीन। और देखिए यहाँ x नहीं है तो इसको हम लोग 0x कर सकते हैं, प्लस वाई प्लस टू जेड इजकल टू सेवन। यहाँ पे आप चाहें तो x माइनस वाई है, प्लस यहाँ 0z कर सकते हैं इजकल टू थ्री। ये आपका थ्री इक्वेशंस गिवन है। अब इसके बाद से इससे आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट है इसको हम ए मानते हैं, लेकिन देखिए यह ए वैल्यू अलग है और यह वैल्यू अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा इसको देखते हैं। इससे जो मैट्रिक्स बनेगा एक्स वाई जेड का कोफिशियंट लिखना है, तो इसका कोफिशियंट क्या है 1, फिर इसका कोफिशियंट माइनस 1, ये 0, फिर यहाँ 2, 3, 4, फिर यहाँ देखिए 0, यहाँ इसका कोफिशियंट 1, इसका कोफिशियंट 2। अब देखिए एक्स कैपिटल एक्स इजकल टू अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो किसके टर्म है, यानी जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पे जो है ये आपका बी होगा, यानी कांस्टेंट टर्म 3, 17 और 7। अब इसके बाद इसका जो फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से एक्स इजक्वल टू क्या होगा, इधर लाएंगे तो ए इनवर्स बी। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स देखिए यहाँ जो बी है इस बी की वैल्यू नहीं है, वह बी यहाँ पे है, आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ए इनवर्स निकालते हैं तो कितना होगा आपको, फिर यहाँ से ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये सब निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए चलिए यहाँ निकाल देते हैं क्योंकि इसके हेल्प से कहा है, तो बी ए इज इक्वल टू कितना है 6i। अब यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो बी इज इक्वल टू 6, इधर ए आता है तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 6, ए इनवर्स आई ए इनवर्स के इक्वल होगा, यानी कि ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई करें यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह सेम मैट्रिक्स ए इनवर्स ही आएगा, यानी ए में भी अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आता है। अब यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ए इनवर्स इजकल टू बी अपॉन 6। अब देखिए ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना है, देखिए यहाँ ए टोटली किसके बराबर आ गया ए के, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, 2 3 4 2 3 4 0 1 2 0 1 2, यानी कि सेम आ रहा है, लेकिन यह वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, यहाँ पे बी की वैल्यू अलग है, यानी यह जो बी लिया गया है यह यहाँ से बी लिया गया है, यह ए इसका है लेकिन यह सेम इससे टैली कर रहा है तो हम लोग वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए ए इनवर्स की जगह पे बी अपॉन 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स इजकल टू ए इनवर्स की जगह पे बी अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 और बी के प्लेस पे आप यह वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो गया 2 2 माइनस 4, फिर आपका होगा -4 2 -4 2 -1 5। आई मल्टीप्लाई क्या है बी के जगह पे यहाँ पे 3, 17 एंड 7। अब आपको इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें करके ऐड करेंगे, जितना आएगा उसमें 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 2 माइनस 2 2 2 माइनस 4 1/6 है, यहाँ 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4, फिर यहाँ -2 -4 2 -4 -4 2 -4। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 5
इतना हो गया। अब इसके बाद से देखिए 3.17.7 3.17.7 अब क्या करेंगे, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 17 का इसमें, 7 का इसमें करके आपको ऐड कर लेना है। 1/6 रहने दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये होगा आपका 3×4=12। फिर इसका करेंगे 6, फिर इसका करते हैं तो प्लस करेंगे 34 और 17×34। फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -17, फिर इसका करेंगे तो -28, फिर इसका -28, फिर 7×5=35। अब इसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, 34 और 6 = 40, 40 - 28 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 12। फिर यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 28 और -12 ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका 40, तो ये आपका -6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 41 -7 आप कर लीजिएगा 17, तो 11 4 3 -1 2, तो यहाँ पे 24 आ गया। अब यहाँ पे आपको 6 से डिवाइड कर देना है, तो सब में 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, आ यहाँ डिवाइड करेंगे 6 से तो -1, आ यहाँ 4, यानी 6 से डिवाइड इसमें 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 तीनों में कर दिए। आ यहाँ पे आपका होगा एक्स वाई जेड, जो एक्स की वैल्यू माने थे वह एक्स वाई जेड के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, y = -1 एंड z = 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का है, मॉड में है, a² 1 b² 1 c² 1 c² 1 c² 1 c² 1 c² 1 c² 1 c². अब आपको सॉल्व करके इतना लाना है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग भी कर सकते हैं, a - b कह रहा है तो a - b यानी कि r1 में से r2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। फिर देखिए b - c, b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है, और उसके बाद से आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ 1 1 1 लिख दीजिएगा, a b c, a² b² एंड c² अब यहाँ पे a - b करने के लिए a में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो जो यहाँ प्रोसेस करेंगे साइड में लिख देते हैं। देखिए r1 के प्लेस पे हम लिख रहे हैं r1 - r2 करके, जो लिखेंगे यहाँ साइड में शो कर देंगे ताकि अगर कभी भी देखते हैं तो पता चल जाए, या चेक करने वाले कॉपी जो टीचर हैं उनको ये पता चल जाए किस में से किसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। आई a - b, इसमें से इसको करेंगे तो a² - b² अब इसके बाद तो ये देखिए 3×3 का है, तो इसमें यह जो प्लस माइनस की जो प्रोसेस है वह 2 times कर सकते हैं, यानी कि अगर 3×3 का है तो इसका जोड़ घटाने का जो प्रोसेस है यानी प्लस माइनस का 2 बार, मतलब मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं। तो एक बार तो कर लिए, एक बार और कर सकते हैं। अगर 3×3 का है तो 2 times, 2×2 का है तो 1 times। अब यहाँ r2 के जगह पर क्या लिखा जाए, b - c लाना है, तो b में से c को माइनस करेंगे यानी r2 में से R3 को, तो 1 - 1 0, फिर यहाँ b - c, और यहाँ b² - c². अब यहाँ पे थर्ड प्रोसेस नहीं करना है, अब इसके लिए अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 1, b a - b b - c c, a² - b² का फार्मूला a+b और a - b, यहाँ होगा b+c b - c, और यहाँ c². अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 0 में से तो कोई नंबर कॉमन हो सकता है, तो इसमें से आपका कॉमन कितना हो जाएगा, a - b, और इसमें से आपका b - c कॉमन हो जाएगा। अगर आप इतना भी छोड़ देते हैं तो अगर यह मान लीजिए 5 marks का है तो आपको 3 marks आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 1, और यहाँ पे -b तो कॉमन हो चुका है तो a+b।
फिर यहाँ जीरो, यहाँ क्या बचेगा वन, बी माइनस सी कॉमन हो चुका है इसमें से, तो यहाँ बी प्लस सी। अब यहाँ पे वन सी सी स्क्वायर, देखिए अब इसका पूरा एक्सपेंड नहीं करना है, इसका एक्सपेंड जब करेंगे तो इसका एक्सपेंड हमको ऐसा करना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जीरोज है उसी को लेके चलेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा सॉल्व। देखिए ये वाला है तो हमको कम सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो इसको लेते हैं तो एक ही जीरो है तो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको लेते हैं और जो जीरो वाले टर्म्स हैं उसको छोड़ दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो सिंबल लेते हैं प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, थ्री क्रॉस थ्री के लिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस वन अगर लेते हैं तो इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, वन वन ए प्लस बी और बी प्लस सी। अब यहाँ हो गया ये माइनस बी, बी माइनस सी, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अगर वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी, और इसका इसमें करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखिए बी से बी कैंसिल, तो ये माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, बस हमको यही प्रूव करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना सो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए इसको हिंट्स देते हैं, इसको कीजिएगा, नहीं आता है तो फिर बताते हैं। ए स्क्वायर माइनस फाइव है, देखिए ए दिया है तो आपको ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, ए स्क्वायर के लिए हम ए मल्टीप्लाई ए कर सकते हैं, तो ए में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए स्क्वायर आ जाए। अब ए स्क्वायर के बाद अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस सेवन नहीं फाइव ए प्लस सेवन आई, तो ए स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई ए में ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, उसके बाद से ए वाले में फाइव से मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर यहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सेवन से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसके बाद से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यह एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, यानी इक्वल टू जीरो कर लेंगे, और तब उसके बाद से ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, इक्वल टू जीरो आया रहेगा, तो इसमें से जो आई वाला टर्म्स है इसको इधर ट्रांसफ़र करके और उसके बाद से ए इनवर्स से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो थ्री क्रॉस थ्री का है, यानी थ्री रो एंड थ्री कॉलम है, तो कह रहा है कि मॉड ए इज इक्वल टू माइनस फोर, तो फाइंड कर रहा है कि मॉड एडजॉइंट ए, तो चलिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, आपको ये फार्मूला एनसीईआरटी वाले बुक में होगा, मॉड का एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है मॉड ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ मॉड ए की वैल्यू कितना है माइनस फोर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे हम इसको ए से सपोज कर लेते हैं, जैसे यहाँ दिया है 1 0 एंड 4, फिर यहाँ दिया है 3 5 माइनस 1 0 1 एंड 2। अब देखिए ये ए इक्वल टू दिया है, अब इसको हम लोग मैट्रिक्स में चेंज डिटर्मिनेंट्स में चेंज करेंगे, तो 1 3 0 0 5 1 4 माइनस 1 2। अब इसके बाद से इसका माइनस वन का कोफिशियंट कह रहा है, मतलब कोफैक्टर, तो इसके लिए इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा यहाँ पर लिख लेना है 1 0 0 1। अब इसके बाद देखिए इसका जो सिंबल हम लोग कैसे चेक करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका सिंबल क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस वन माइनस वन क्या होगा वन नहीं, वन मल्टीप्लाई वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा माइनस वन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए दिया है बी दिया है, देन वेरीफाई ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप पहले ए में बी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ए में बी से मल्टीप्लाई करने के बाद से फिर इसका इनवर्स कर लीजिएगा, जैसे ए बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नौ, तो इसको
सी सपोज कर लीजिएगा, लेट सी इक्वल टू ए बी, तो ए में बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका सी वैल्यू निकल जाएगा। फिर सी का इन्वर्स निकाल लीजिएगा, सी इन्वर्स निकालने के लिए किसे निकालेंगे, सी वन वन सी वन टू, टू क्रॉस टू का है तो सी वन वन सी वन टू, फिर सी टू वन सी टू टू निकाल लीजिएगा। और उसके बाद से इससे एक मैट्रिक्स बनाइएगा, इससे बनेगा और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल देंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए में मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ ए नहीं है सी है, तो मॉड सी से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा एडजॉइंट सी अपॉन मॉड सी इक्वल टू सी इनवर्स। अब यहाँ पे बी का से बी इनवर्स निकाल लीजिएगा, आई वाले से ए इनवर्स निकाल के फिर बी इनवर्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर गिवन। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आप यहाँ 1/2 कर लेंगे, यहाँ पर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ये आपका ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं। अब यहाँ पे आपको 1 1 1 लिख लेना है ताकि हमेशा जो डिटर्मिनेंट्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो यहाँ 1 1 कर लेना है। अब देखिए यह एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 4। अब इसके बाद से यह आपका जो वैल्यू है के 0 4 0 एंड 0 2, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। अब देखिए एक्स वन के प्लेस पे के और वाई वन के प्लेस पे 0, यहाँ 1, एक्स टू के प्लेस पे 4, वाई टू के प्लेस पे 0 1, फिर यहाँ पे एक्स थ्री की जगह पे 0 2 1। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 8 इसकल टू के 4 0 0 0 2 1 1 1। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट्स वाले से तो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इफ़ यहाँ पर 2 मैट्रिक्स गिवन है आइसकल टू इतना है तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट्स का नहीं है मैट्रिक्स का है तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए वन वन होगा ए वन वन के इक्वल होगा, ए वन टू ए वन टू के इक्वल होगा, ए टू वन ए टू टू के इक्वल होगा, ए टू टू ए टू टू के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का नहीं है मैट्रिक्स का है इसलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद से सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे इक्वेशन है इसके हेल्प से आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो एक्स वाई जेड का कोफिशियंट यहाँ लिख लीजिए, तो एक्स का कोफिशियंट 3y का -2 और ये 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 1, यहाँ -1 हो गया, फिर यहाँ एक्स का कोफिशियंट 4 -3 एंड 2 हो गया। अब देखिए x इजकल टू हम लिखेंगे कि जो यह इक्वेशन है किस वेरिएबल के टर्म में है, तो एक्स वाई जेड के टर्म में है, और जो कांस्टेंट है इसको हम क्या मानेंगे 8 1 4। अब इसके बाद से a में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा b के, तो यहाँ x इजकल टू क्या होगा a इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो a इनवर्स b। अब आपको a के हेल्प से a इनवर्स फाइंड कर लेना है, इसके लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट a, फिर एडजॉइंट a में मॉड a से डिवाइड कर देंगे तो आपका a इनवर्स फाइंड हो जाएगा। a इनवर्स में इस b वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक मैट्रिक्स तैयार होगा, यहाँ x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ जो भी नंबर आएगा x का x से y कंपेयर कर लीजिएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है इसको आप कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।